एंटीबायोटिक गोलियां खाई हैं ना, तो सनोबर को पूरी सिचुएशन पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है पूरे। अल्लाह की जो तरफ से आजमाइश होती है, कोई परेशानी नहीं होती। ये देखो सब मैं खुजा। चलिए उन्हें फ्रेश वगैरह हो, मैं नाश्ता बनाते हैं। है ना, तमीज से बात किया करें। बीवी है आपकी? बात चल रही है। हाँ बात चल रही है। हुआ था तो उसकी एंटी एलर्जिक और एंटीडोल दे दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बट डॉक्टर कह रहे थे 2 से 3 घंटे में वह जो एलर्जी की वो भी ख़त्म हो जाएगी और बाकी जो 3 डेज़ की दवाइयाँ हैं वो लेनी है। और यहाँ पर मैं अटक जिंदगी ने गई हूँ। पढ़ा दिया है, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आप? आपसे मिलते हैं। बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है मेरी, गोलियों ने जो है ना मुझे क्या बताऊँ कि एलर्जी कर दी है। कुछ एंटीबायोटिक गोलियाँ खाई हैं ना, तो सनोबर का पूरी सिचुएशन पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है पूरे जिसम में दाने बाने निकल आए हैं। और बस ये कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती देंगे। रात भर नींद नहीं आ रही होती है, 2-3 दिन हो गए ऐसा होते हुए। मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के बाद, नाश्ते के बाद, और आपसे शेयर करेंगे। पानी क्यों आ रहा है आंखों से? पानी तो कान से भी आ रहा है, सब जगह से पानी आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये दिखाओ ना, कान से भी आ रहा है पानी। अरे बाबू, कभी नहीं आया मैंने जिंदगी पानी में पानी ही नहीं। रिएक्शन हुआ है दवाई का। वो रहे उधर ही थे, कोने के पास, एल्बो के पास। हाँ ये हो तो गए बारीक बारीक। पूरे सर में भर गए मेरे जख्म, कान से आ रहा पानी। कान से, आंखों से, बालों से, पाँव से। आंखों से तो जवाई लेकिन अच्छा क्या ये सब वो हो गया, मेरी पूरी जिस्म जो है ना बॉडी उस रात को मैंने दस कैसा किया है? ठंडा ठंडा एलोवेरा यही लगा हाल दिया है था। सब। पूरी ये जो थाइस वगैरह है और ये जो पिंडलियां हैं इस पे भी ना, इस पे भी तो रैशेस है ना? वो तो दिखाए रात को रेमेडी क्या यूज किए, ठंडी ठंडी। रात को मैंने जुनैद के फिर ये एलोवेरा यूज किया, मैंने कहा ये लगा है, फर्क पड़ा था लेकिन इससे थोड़ा। चलते डॉक्टर के पास वापस। चाहिए प्रे फॉर अस व्यूअर्स। लेकिन मैंने नमाज पढ़ी अपनी ना, नमाज नहीं छोड़नी है। सौ सौ की सीधी बात है। अल्लाह जो की तरफ से आजमाइश होती है, कोई परेशानी नहीं होती। ये देखो सब मैं खुजा नहीं रहा, ये मेरे नजर बाल आ रहे ऐसे हो गए बाल, सारे। इसमें कितना देख लें अभी ये। पूरी बॉडी भर गई है रैशेस। चलिए उन्हें फ्रेश वगैरह हो, मैं नाश्ता बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जाओगे खैरियत से होंगे। एंड जुनैद इज देयर, जैसा कि आप, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से जुनैद क्या कर रहे हैं। जुनैद यहाँ पे कर रहे हैं चॉप अच्छा कैप्सिकम। कैप्सिकम सब्जी की दुकान खोल ली हमने यहाँ पे। है सब्जी की दुकान का कैप्सिकम से क्या ताल्लुक या कटिंग से? ये मेडिकल खुला हुआ, ये क्या दवाइयां बना दूंगा क्या यहाँ पे?
मेरे से ना तमीज से बात किया करे, बीवी है अब आपकी। बात चल रही है। हाँ बात चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुनैन मोस्ट मोस्ट यानी बहुत हद तक बेहतर हो चुके हैं, मच बेटर। कि जो दवाई से मेडिसिन से उन्हें इन्फेक्शन हुआ था तो उसकी एंटी एलर्जिक और एंटी रोल दे दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बट डॉक्टर कह रहे थे 2 से 3 घंटे में जो एलर्जी की वो भी ख़त्म हो जाएगी और बाकी जो 3 डेज की दवाइयाँ हैं वो लेनी हैं। और यहाँ पर मैं अटक गई हूँ फर्श पे। कौन सी औरत है? समझदार औरत जी नहीं, वी आर नॉट इंटेलिजेंट। अपने मुँह से मैं कभी तारीफ नहीं करती। आइए। तारीफ तो आपकी हो रही है कि ना भागते फिर रही हो आजकल आप। कहाँ? यूट्यूब पे। जब तक को भी भगा रही हो टकटक। कौन सी ऐसी वीडियो जिसने आपने मुझे भगाया है? मैंने हर जगह आपको भगाया है। उल्टे वो नहीं भी बोलोगी ना वो इल्जामात है। खैर ये आलू क्यों रखूँ? इसका कुछ बन जाएगा, आप बेफिक्र रहें। हाँ एलर्जिक थी और स्किन पे नज़र आ रही है, आप बाल नहीं भी उठाए ना ये हल्के हल्के। हाँ, आज वॉश किया है लेकिन मच बेटर। दवाई ले ली ना अभी आपने? कल हम डॉक्टर के यहाँ गए थे और माशाल्लाह से शाम में जो है वो दवाई ली थी, इंशाल्लाह इंजेक्शन लगा था कल की। और अभी वाली डोज ले ली? अभी वाली ले ली, दिन में एक टेबलेट जो खानी है वो अभी नहीं ली, रात को लूँगा नींद की। और तीन वाली वो जो तीन खानी थी, एक खा ली एक रात को, तीन और खा लूँ। ओके। ये हमारी यही तो लोग हैं, इन लोग पढ़ना नहीं चाहते, कुछ लोग काम नहीं करना चाहते। नहीं, क्यों पढ़े हैं आप? इतना तो जिंदगी ने पढ़ा दिए, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आप? एक मिनट व्यूअर्स, मैं अपना मुंह दी। ये देखें मैं क्यों पढ़ूं, जिंदगी ने इतने सबक पढ़ा दिए तो अब क्यों पढ़े हम? हैं जिंदगी की यही रीत है, हार के बात ही जीत है। अंधेरा ही ले लिया करो यहाँ पे। इतना प्यारा और माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा आया है। डॉक्टर ने जैसे कहा था कि आपने वो करना है ना, वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद ड्राई रखना है इसको, तो आपने ड्राई सही मारा है लेकिन आपने कॉम जो मारा है ना वो गलत मारा है। खुद ही ने कहा था कॉम लिया, हम ले आए। तूफान भाजी सटक ली है। मैं सटक ली हूँ? माँ जी सटक ली है। हमारा पता चलना चाहिए, हम काम करते हैं। मैं अभी आटा गूंथ के फ्री हुई हूँ और जुनैद को जो है मैं सोच रही हूँ मैक्रोनी बना के दे दूँ। मेरा खुद का भी दिल चाह रहा है जुनैद को क्या बना के दूँ, तो मैंने सोचा बनाते हैं तो जुनैद को भी खिला देते हैं, थोड़ा अच्छा हेल्दी फूड हो जाएगा। रात में देखेंगे क्या बनाना है, आटा गूंथ लिया है। सो व्यूअर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। चलो यहाँ काम सारा जल्दी से निपटा देते हैं, फिर असर की नमाज़ मुझे भी पढ़नी, क्योंकि ये तो झटपट बनता है ना, इसलिए जुनैद पहले नमाज़ पढ़ रहा है फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह बीच में टाइम मिला तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। सो व्यूअर्स आज की अच्छी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ज़्यादा सोचना सुकून ख़त्म कर देता है, दुआ करें और सब अल्लाह पर छोड़ दें। So viewers, till then do like, share and comment my YouTube channel Multazam Qureshi World with us.